नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर इस वक्त की अहम खबर आ रही है। मामले में गिरफ्तार डीएसपी रंजीत रजक सस्पेंड हुए हैं। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर सस्पेंड किया। बीएमपी 14 में तैनात थे रंजीत रजक, 12 जुलाई 2022 के प्रभाव से निलंबित किया गया। बीपीएससी पेपर लीक कांड की जाँच कर रही है ईओयू। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता नवजीत फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। नवजीत, देखिए बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं बीपीएससी को लेकर, लेकिन सवाल उठता है बहुत लंबा वक्त हो रहा है। अब फिर से आपको बता दें कि डीएसपी रंजीत रजक गिरफ्तार हुए, आपको लगता है कि अब इसके बाद और खुलासे होंगे और जो मुख्य आप समझ सकते हैं आरोपी है वहां तक पहुंच पाएगी टीम? जी बिल्कुल, देखिए जांच है वो लंबी होगी, क्योंकि जिस तरीके से लोग इनमें इन्वॉल्व हैं, आप सोच सकते हैं कि डीएसपी लेवल के जब ऑफिसर हों वो इसमें जब इन्वॉल्व पाए जाते हैं, जांच में कई तरह के ट्रांजेक्शन पाए जाते हैं, आर्थिक अपराध इकाई है उनके बेस पर कहने के उनकी जो सस्पेंशन है वो हुई है, तो लाजमी है कि कड़ी है वो लंबी है और फिर ही लंबी है, तो लिहाजा जो जांच का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से गृह विभाग ने इनको सस्पेंड किया है, तो आने वाले दिनों में जो और कोई भी इस तरह के जो सरकारी कर्मी होंगे, सरकारी अफसर होंगे, उन पे यदि जांच का दायरा जाता है, जांच में यदि उनको आय से अधिक मात्रा में या फिर कह लीजिए पैसा पाए जाते हैं, रुपया पाए जाते हैं, या फिर इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, तो उनपे भी कार्रवाई होगी। फिलहाल इनको कल ये सस्पेंड कर दिया गया है। देखना होगा कि इनका सस्पेंशन है वो कितना दिन कायम रहता है, चूंकि देखने को भी मिलता है कि कई अफसर हैं वो गिरफ्तार होते हैं, फिर जेल जाते हैं, फिर बेल कोर्ट से बेल हो जाता है, फिर इनको केस मुकदमा लड़ने के साथ सस्पेंशन जो टूटता है। लेकिन देखना हुआ कि क्या कुछ सबूत मिले हैं, कितना सबूत है कोर्ट में, किस तरीके से सबूत है वो पेश हो पाते हैं, क्योंकि देखिए पिछले साल से देख रहे होंगे कि कई तरह के जो कार्रवाई होती है विभाग अपने लेवल पर कार्रवाई करता है, लेकिन कोर्ट में जाते जाते मामला कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है और जो सस्पेंशन खत्म हो जाता है, कर्मी है वो फिर से बहाल हो जाते हैं। तो एक ध्यान देने वाली बात होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार पे बिहार सरकार काफी काम कर रही है, लेकिन नतीजा है वो सस्पेंशन तक जाता है। नवजीत, अब देखने वाली बात है कि अब आगे क्या कुछ और कार्रवाई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।